इंडिया में जो इलेक्शन है वो कहते तो हैं कि हम सबसे बड़ी जमहूरियत हैं। आपने भी काफ़ी इस पे इदारे ख्याल फरमाया कि वहाँ जमहूरी सिस्टम टूटा नहीं, और फिर आपने ये भी फरमा दिया कि एमरजेंसी लग गई, बीच तो में कुछ हाँ अरसे के लिए, टूट हाँ गए ना जमहूरी सिस्टम, तो वहाँ में पे टूट खलल हाँ आया, खलल आ गया जो भी आया, तो लेकिन मार्शल नहीं हाँ लगा कभी, मार्शल आने लगा, लेकिन वो सिविल मार्शल तो लग गया ना, एमरजेंसी दो तीन तो साल के सुप्रा लिए है। कॉन्स्टिट्यूशनली हाँ एक जी, एक्टिविटी होती है जिसका फ़ायदा बीजेपी ने उठाया और वहाँ पे वो कुछ किया जो अब जनता वो पार्टी ने। वही जो जो भी है जन, तो अभी जो इलेक्शन हुए पहले वो उन रियासतों में हुए जो क्लियर कट हिंदू बेल्ट नहीं कहलाते, क्लियर कट हिंदू बेल्ट नहीं कहलाते, वहाँ पे बीजेपी को जो अभी तक ज़ाहिर है रिजल्ट तो उन्होंने अनाउंस नहीं किए, ऑफिशियल रिजल्ट तो अनाउंस 4 तारीख को ही होंगे जून को, जो आपने डेट बताई, तो अभी तक जो सिचुएशन आ रही है वो लोगों को लेकिन पता लग जाता है कि क्या है, तो ये चीज़ है कि वहाँ पे अच्छा, थोड़ा सा हम अपने अक्सरियत लोगों में की जी मालूमात के लिए माफी चाहता हूँ, आपको जी इंटरप्ट किया, ये बता दें कि वहाँ दो बड़े जो प्लेयर्स हैं वो, एक तो बीजेपी का अलायंस है छोटी पार्टियों से जिसे एनडीए कहते हैं, और एक है कांग्रेस का दूसरी पार्टियों के जिसमें कम्युनिस्ट पार्टी भी है उसको कहते हैं इंडिया, इंडिया, या जो उनका गोदी मीडिया है वो इंडी अलायंस कहता है, इंडिया अलायंस। हाँ, ताकि उसको जलील भी करे, इंडी लव ऐसे एक तमस्कर उड़ा दिया ना, उसका एक पैरोडी बना दी, गोदी का मतलब क्या हुआ, गोदी मीडिया गोदी मीडिया, देखें इंडिया जिसे में, गोद लिया हाँ हुआ। इंडिया में गोदी लिए हुए चैनल जितने भी हैं ना, जैसे अर्नब गोस्वामी हो गए या मनीष हो गए या अपना उनके इसके ये जो अब तक के चैनल के हैं वो एबीपी के हैं, जितने भी हैं चैनल उनके, वो सारे के सारे गोद में बैठे हुए मोदी के। अगर फर्ज करें कि जी 137 किसी ने टॉक शोज की है तो 137 में से 50% ऑलमोस्ट बीजेपी मतलब मोदी के हक में होंगे और बाकी जो है वो अपोजिशन के खिलाफ होंगे। गोदी उनको इसलिए कहते हैं कि अगर कहीं पुल गिर गया है तो वो ये नहीं सवाल करेंगे कि पुल मोदी किसकी गलती से गिरा या जिसको ठेका दिया था उसकी गलती से गिरा, जैसे गिरा था ना पिछले दिनों पुल, तो वो पकड़ेंगे सीधा सीधा जाके अपोजिशन को कि लोग इस पर ज़्यादा चढ़ गए थे, लोगों ने देखा नहीं, ऑपोजिशन ने लोगों का ज़हन ख़राब कर दिया। अगर अन्य मोदी की गोद इतनी बड़ी हाँ है कि सारे मीडिया तो संभाल। आए में बिल्कुल आए में, अब देखें कि वो अनएम्प्लॉयमेंट है ना वहाँ पे बढ़ गई है, पाकिस्तान से भी ज़्यादा है, तो वो ये नहीं कह रहे कि अनएम्प्लॉयमेंट में रेस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट है, वो कह रहे हैं लोग रेस्पॉन्सिबल हैं, वो क्यों नौकरियाँ मांगते हैं, वो सेल्फ एम्प्लॉयड हों, वो ऐसा काम करें कि वो अपनी नौकरियाँ खुद पैदा करें, खुद जनरेशन करें, वो क्यों नौकरियों के पीछे भाग रहे हैं। हमारा ये तो मीडिया इतना गोदी नहीं है, मत थोड़ा सा गोदी है अच्छा तो लेकिन इतना गोदी नहीं अच्छा अब यह है कि जो आपने कहा बड़े प्लेयर इस वक्त भी जो आज इलेक्शन सुबह 6:30 में शुरू हुए पोलिंग, उसमें भी जो बड़ा प्लेयर है सबसे वो राहुल गांधी है, और वो अपनी जो रवायती सीट है उसमें भी खड़ा है, केरला से, व्यादा के क्या जो एरिया है ना उसकी सीट से खड़ा केरला हुआ। से अच्छा अब जिसमें 99% चांस है वो जीत जाएंगे, पहले स्मृति ईरानी भी इसी सीट पर कंपीट करती रही, उनको उनका ख्याल था कि अच्छा, मैं इंदिरा गांधी तो इलाहाबाद से लड़ती थी और नेहरू हाँ भी, नहीं लेकिन ये इनकी बात है, ये वहीं से ये केरला जो है हाँ एक साउथ का इलाका है, बिल्कुल साउथ में श्रीलंका के करीब चला जाता है ना, केरला असल में बड़ी सेफ सीट है क्योंकि यहाँ पे बीजेपी जीरो पे है, क्योंकि यहाँ पे लोग बहुत प्रोग्रेसिव हैं, पढ़े तरक्की लिखे, पसंद हैं, पढ़े सबसे लिखे ज्यादा हैं, एजुकेशन रेट केरला में है, सबसे ज्यादा 100% हाँ सबसे ज्यादा तकरीबन।